हमारे जनता के कई लोगों के द्वारा ऐसी शिकायतें दिखी गई थी कि उनके मोबाइल चोरी होने की बात बताई गई थी। इस पे काम करने के लिए स्वाट जो हमारी सर्विलांस टीम है उसके तहत एक टीम गठित की गई थी और इस टीम ने लगातार जो पिछले एक महीने में मेहनत की है उसके बाद आज 50 से भी ज्यादा मोबाइल जनपद इटावा के जो पब्लिक है जो जनता है उनको मोबाइलों को ढूंढ के उनको वापस किया गया है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो जूनियर क्लासेस में हैं, एमबीए करने वाले भी स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, हमारे पॉलिटिक्स में वाले लोग भी हैं और बाकी भी हमारे महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, समाज के सभी वर्ग के जो भी इनकी शिकायतें थी, जो इनकी प्रार्थना पत्र थे उस सब पे काम किया गया। दिन रात मेहनत करके 50 से भी ज्यादा मोबाइल ये बरामद करके आज हमारे जनता के बीच में जिसमें कि हर तरीके के लोग हैं उनको दिया गया है। और आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि जनपद इटावा में पुलिस इसी तरीके से सभी के लिए जो भी शिकायतें हैं उस पर लगातार काम करती रहेगी और जो भी उनके कार्य होंगे इसी तरीके से तत्परता से कार्य करके उनको हल करने का प्रयास करेंगे और लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए इसी तरीके से लगातार हम लोग कार्य करते रहेंगे।